बहुत ही सुंदर बसु जी इनके द्वारा। जर्नी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप हमारे साथ इस वीडियो में देख रहे हो बीकानेर की जर्नी में बीकानेर के शहर का नज़ारा। और हम आपको आज इस ब्लॉग में दिखलाएंगे अमृता हट बीकानेर के नाम से प्रसिद्ध संभाग स्तरीय मेले का आयोजन जो बीकानेर में आयोजित हुआ अक्टूबर महीने में। तो आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ये जो मेला है ये हस्तकला का एक अद्भुत संगम स्थल है जहाँ पर हाथों से बनी हुई कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाता है और उसको आप अगर पसंद आए तो खरीद भी सकते हो। तो अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखें। ग्रामीण हाट बीकानेर के इस मेले में आप सभी का आदरणीय सुमित गिरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अंत तक बने रहिए और इस पलों का आलोक उठाए। जय गणेश वंदना के साथ में इस मेले का शुभारंभ होता है। देकर उनका सम्मान करें। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इनके द्वारा दी गई है और सभी लोग जोरदार तालियां इनके लिए जरूर बजाएं। भवन सिंह गोपा जी सरकारी योजनाओं में सभी सहायता समूह के द्वारा यहां पर व्यंजनों का भी आनंद लेने के लिए दलिया, खिचड़ी, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी और जो देसी खाना होता है वो यहाँ परोसा जा रहा है। शहीद के उपचंद्र रसोई सुबह से रस्म कलासर के द्वारा भी यहाँ एक टाल लगाई गई, वहाँ पर हमने भोजन का ये जो आप हमारे साथ देख रहे हो इसके अंदर अमृता हाट मेला बीकानेर के अंदर जो संभाग स्तरीय का आयोजित हो रहा है इसमें विभिन्न स्टॉलें लगी हुई है। ग्रामीणों और जो स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा अपने हाथों से बनाई गई आइटम्स और कलाकृतियों का यहाँ पर शॉप के अंदर प्रदर्शनी करके और विक्रय करने के लिए दुकानें सजाई गई है। तो वहाँ से अपने आमदन के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर क्रय कर सकते हैं सभी। तो यहाँ पूरा मेले का आयोजन शानदार किया जा रहा है।
ग्रामीण हाट बीकानेर के नाम से स्थित ये स्थल, ये हमेशा मेले के आयोजन के लिए है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न अवसरों पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में ये अमृता हाट मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 9 दिनों तक चल रहा है। और इसमें नेक्स्ट अंतिम दिवस 2 बजे तक यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो एक रात्रि को पहले यहाँ रविवार को मेले में हम भ्रमण करके आए और खूबसूरत व्यंजनों का और यहाँ पूरे मार्केट का हमने आनंद लिया। और इस शानदार मेले के इस आयोजन के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इन कार्य योजनाओं के तहत संभाग स्तरीय ग्रामीणों को अपना प्रोडक्ट का यहाँ प्रदर्शन करने का मौका मिलता है और अच्छा अवसर मिलता है। वहाँ के ग्रामीण इलाकों के स्वयं सहायता समूह हैं और ग्रामीणों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं अपने हाथों से, उनको यहाँ प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और जो क्रय करने वाले हैं उनके लिए यहाँ एक सुनहरा मौका है। हस्तकला से जो संपादित किए गए जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर परचेज करने का एक अवसर मिलता है। और शानदार यहाँ एक मेले का आयोजन होता है विभिन्न अवसरों के ऊपर, तो बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। कैंसर निदान गाड़ी खड़ी करके और कैंसर के बारे में जागरूकता प्रदान करते हुए कैंसर के सफल इलाज के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जा रहा था और उसके दवाई वितरण भी का कार्य यहाँ किया गया। बहुत ही सराहनीय कार्य है सरकार की योजना। गणपति बप्पा मोरिया ऐसे ही आशीर्वाद और स्नेह और प्यार हमें देते रहें और इस तरह के ब्लॉग्स आप देखते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार है वो ज़रूर दर्ज करें। इस ग्रामीण हाट बीकानेर के अंदर संभाग स्तरीय जो मेले का विभिन्न मौक़ों पर आयोजन होता है वो भव्य और शानदार तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको भी कभी ऐसे मेलों में जाने का अवसर मिले तो अवश्य पधारें और जो हस्तकला की प्राकृतिक जो धरोहर है उसको सुधारने में सहयोग प्रदान करें। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वर्ल्ड कप के इस दौर में ऑफिस टाइम के बाद में कुछ देर क्रिकेट का भी आनंद लेते हैं, तो आप हमारे साथ उस क्रिकेट के आनंद को देख रहे हो। आपका धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं इसके बारे में अपने विचार हमें ज़रूर उपलब्ध करवाएं तथा अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और ऐसे ही प्यार और स्नेह हमें देते रहें। आशा है हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो और कंटेंट
देते रहेंगे और आप उनको ऐसे ही भरपूर प्यार और सहयोग हमें प्रदान करते रहेंगे। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।